मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना का पैसा चाहिए तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके तहत सभी पात्र महिलाओं को 1000 का पेंशन प्रतिमाह दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में यह योजना के फॉर्म को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाई हैं। इस लेख में हम इस योजना के फॉर्म की सच्चाई, आवेदन की सही प्रक्रिया और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का विस्तार में चर्चा करेंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन। सबसे पहले यह स्पष्ट कर दें कि इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के ऑफलाइन फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष पोर्टल जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे। फॉर्म क्या है? भूमिका। आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर आवेदन ऑनलाइन है तो फिर फॉर्म की क्या ज़रूरत है। दरअसल फॉर्म का उद्देश्य केवल आपकी व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के विवरण को एकत्रित करना है। यह जानकारी आपके आवेदन के सत्यापन करने और योजना के लाभार्थियों का चयन करने में मदद करती है। क्या यह फॉर्म सभी जगह मान्य है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फॉर्म एक मानक प्रारूप है, जिससे आप अपने क्षेत्र के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके ब्लॉक या जिले का नाम फॉर्म में नहीं दिया गया है तो आप उसे स्वयं भर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। दस्तावेज का नाम, आधार कार्ड प्रतिलिपि, बैंक पासबुक प्रतिलिपि, वोटर आईडी कार्ड की प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राशन कार्ड की प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब जेरोक्स। विवरण, पहचान और पते के प्रमाण के लिए, बैंक खाते की जानकारी, पते की प्रमाण के लिए, आवेदन पत्र के समय संलग्न रहने के लिए, परिवार की जानकारी के लिए। आवेदन प्रक्रिया चरण दर चरण। सरकारी वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले आपको झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। योजना का चयन करें। वेबसाइट पर आपको मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म भरें। अब आपके सामने एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें। दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन फॉर्म में मांगी गई दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें। आवेदक जमा करें। सभी जानकारी भरने, दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर दें। महत्वपूर्ण बिंदुआ, आवेदन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अच्छी गुणात्मक की होनी चाहिए। आवेदन पात्र में दी गई सभी जानकारी सही और सत्य होनी चाहिए। आवेदन जमा करने के बाद आपको एक पावती रसीद मिलेगी, उसे सुरक्षित रखें। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और वीडियो से जुड़ी कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।